तहसील ने समूचे विदर्भ के लिए सर्वधर्म समभाव का प्रतीक खापा शहर के कनान नदी के तट पर स्थित हजरत बाबा लश्कर शाह शहीद तथा वहां स्थित मस्जिद एवं कब्रस्तान पर खापा शहरी ने अपितु आस पड़ोस के गांव के मुस्लिम बांधवों के साथ बड़े पैमाने पर हिंदू भाई भी इजारत करने पहुंच अपनी मुरादें पाते हैं। पिछली अनेकों पीढ़ियों से हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक बने इस दरगाह की देखरेख दोनों समाज मिलकर सौहार्द वातावरण में हर त्योहार खुशी खुशी मिलजुल कर मनाते हैं। आइए देखते हैं। किंतु पिछले कुछ दिनों से खापा शहर के इक्का दुक्का मुस्लिम भाइयों के साथ ही नागपुर तथा खापरखेड़ा आदि स्थानों के कुछ मुस्लिम भाइयों ने अपनी अलग समिति बनाकर उसे वक्फ बोर्ड नागपुर तथा औरंगाबाद में उसे पंजीकृत कराकर उक्त दरगाह पर अपना कब्जा जमाने लगे और दरगाह पर मुस्लिम भाइयों के होने वाले सभी आयोजनों पर अटकलें लगाकर अपना अधिकार स्थापित करने लगे तथा वहां हर छोटे मोटे आयोजनों हेतु मोटी रकम के साथ ही वाहन पार्किंग के नाम पर वसूली का कार्य किया जा रहा है, जिसका विरोध खापा शहर की मुस्लिम जमात ने करने पर मामला बिगड़ता नजर आ रहा है, जिसमें स्थानीय प्रशासन ने जल्द ही कोई हल नहीं निकाला गया तो स्थिति हद से बाहर जाते देर नहीं लगेगी। उक्त मामले में सावनेर तहसील के तहसीलदार प्रताप वाघमारे द्वारा पहल कर दोनों पक्षों की सुलह कराकर रमजान ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई तथा मामले में फंसे पेचों पर आगामी दिनों में इस समस्या का हल निकालने के प्रयास जारी रहेंगे। रमजान ईद की नमाज के वक्त शांति व व्यवस्था बनी रहे इसलिए नायाब तहसीलदार विजय कोहड़े, नाजर जयसिंह राठौड़, खापा पुलिस स्टेशन के थानेदार अजय मानकर आदि प्रमुख उपस्थित रहे। रमजान ईद की नमाज के बाद नमाज अदा करने आए समूचे मुस्लिम भाइयों ने हमारे स्थानीय संवाददाताओं से बात करते हुए वक्फ बोर्ड के नाम पर बाबा लश्कर शाह की दरगाह पर अपना कब्जा जमाने को उतारू नए समिति को सिरे से नकारते हुए बाबा लश्कर शाह दरगाह समिति का निर्माण सर्वधर्म समभाव के प्रतीक अनुसार खापा शहर के स्थानीय मुस्लिम भाइयों द्वारा ही सर्व समिति से गठित कर उन्हें ही सुचारू रूप से दरगाह का कामकाज संभालने दिए जाने की मांग एक स्वर में की। आपसे विवाद में लटका विकास कार्य, क्षेत्र के विधायक तथा राज्य के पशु संवर्धन दुग्ध विकास क्रीड़ा व युवक कल्याण मंत्री सुनील बाबू केदार के प्रयासों से हजरत बाबा लश्कर शाह दरगाह के विकास नूतनीकरण तथा सौंदर्यीकरण हेतु करीब 2,10,00,000 रुपए का निधि आवंटित की गई है, लेकिन खापा मुस्लिम जमात व शहरवासियों द्वारा गठित पूर्व समिति तथा हाल फिलहाल वक्फ बोर्ड के नाम पर बनी नई समिति के आपसी कलह व मालकाना हक जताने के चक्कर में सर्वधर्म संभाव के प्रतीक बने उक्त स्थान का विकास कार्य ठंडे बस्ते में पड़ा है। आपको बता दें कि अगर उक्त स्थान का विकास कार्य तथा सौंदर्यीकरण हो जाता है तो शहर के करीब 200 से ज्यादा युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सकता है। खापा शहर के सभी समाज बांधवों द्वारा उक्त मामले को यथाशीघ्र निपटाने की मांग प्रशासन तथा संबंधित विभाग से की गई है। इस अवसर पर खापा मुस्लिम जमात के मौलाना शेख अशफाक भाई, यूनुस कुरेशी, मुश्ताक सुबेदार, प्यारू शेख, मस्तान कुरेशी, रफीक छल्लू शेख, मोहसिन पठान, रुमान शेख, सईद कुरेशी, मकसूद महाजन, अफसर शेख सहित सभी समाज बांधव उपस्थित थे। ये बोलते हमने खरीदी किया है, इन्होंने खरीदी किया है, इसका मतलब वक्फ बोर्ड में खरीदी बिक्री चालू है क्या? अगर खरीदी बिक्री चालू है तो हम भी खरीदना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड हमको भी नंबर दे दे, हम भी मालामाल हो जाएंगे, हम भी मालामाल हो जाएंगे। ये जो मालामाल हम ये जमात मिलकर हम करेंगे सर, ये बिल्कुल फ्रॉड है और इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर इंक्वायरी नहीं होती है तो हम ये समझेंगे कि ये इनका कुछ न कुछ काला है, कुछ न कुछ हमें काला है। एनबीसी न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।